बिफोर आई मूव फर्दर लेट मी टेक यू टू वन मोर पॉइंट राइट यूट देश मैंने जैसे थर्ड और फोर्थ फॉर्म्स में आपको बताया परफेक्ट और परफेक्ट कंटीनवर्स में हैड और हैव तो ऐसे कंटीनअर्स में भी कुछ अंतर आता है एक वचन और बहुवचन में अंतर किस मामले में एक वचन और बहुवचन में क्या एक वचन बहुवचन कर्ता के एक वचन और बहुवचन में सब्जेक्ट के एक वचन और बहु यदि एक सब्जेक्ट है तो क्या बनेगा यदि एक से ज्यादा है तो क्या बनेगा यहां देखिए वाक्य क्या है ही इज ड्राइविंग और यदि ज्यादा लोग हों तो क्या बोलेंगे दे आर ड्राइविंग एक से ज्यादा में दे आएगा और दे के बदले हम क्या लेते हैं दे के साथ इज नहीं रहेगा क्योंकि एक से ज्यादा है तो वो आर हो जाएगा राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स राम एंड श्याम आर गोइंग एक से ज्यादा हो गया ना और यदि एक है तो राम इज गोइंग श्याम इज गोइंग तो इज और आर का अंतर प्रेजेंट में है टेंस में लेकिन पास्ट की ओर देखें तो पास्ट में लिखा हुआ है ही वॉज ड्राइविंग यहां पर पास्ट में past में वॉज बदलकर बहुवचन में वर हो जाता है डब्ल्यू आर ई आर के बदले वर हो जाता है ये इसलिए आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि परफेक्ट और परफेक्ट कंटीनुअर्स में हैड जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों स्थिति में हैड रहता है लेकिन कंटिन्यूस में एक वचन और बहुवचन में पास्ट में जहाँ नीचे हैड ही रहता है वहाँ यहाँ पर वाज और वर हो जाता है क्या हो जाता है वाज वर बन जाता है बहुवचन में वर हो जाता है सो दे वर ड्राइविंग वी गो फर्दर अप एंड सी द सिंपल फॉर्म इन सिंपल फॉर्म ही ड्राइव्स जब एक वचन है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है ड्राइव याद रखिए ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हम सब लोग करते हैं ख़ासकर जो अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया में है एक वचन यदि है कर्ता एक है तो वर्म में एस लग जाता है तो ही गोज राम ईट्स श्याम ड्राइव्स मोहन स्लीप्स मैं एस को जोर से बोल रहा हूं ताकि आप समझ जाएं राम मोहन सोहन एक एक हैं यदि एक एक की बात करूंगा तो वर्ब में क्या लगेगा एस इसके ठीक उल्टा यदि कर्ता बहुवचन है कर्ता सब्जेक्ट सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या होगा ही गोज एक वचन है तो एस लगा यदि बहुवचन है दे गो एस नहीं लगता बहुवचन करता आपको कंफ्यूजन किस बात का होता है बहुवचन मतलब बहुत सारा और बहुत सारा मतलब एस पेन पेन शू शूज बॉटल बॉटल्स तो हमको कंफ्यूजन यह होता है कि हम वहां बॉटल में एस लगा रहे हैं तो यहां भी एस लगाएं ये बहुवचन है तो नहीं, बॉटल शूज पेन ये सब नाउन है उसमें एस लगा रहे हैं आप बहुवचन होने पर और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वह है वर्ब वर्ब में एस एक वचन के लिए लगता है बहुवचन में एस हट जाता है बहुवचन में एस नहीं रहता सिंपल फर्स्ट फॉर्म ही रहता है दे गो वी स्लीप They jump. Ram, Sham, Mohan, Sita, Gita run. Ram runs, but they run. Sham eats, but they eat. So, dear friends, hope you have understood somewhat. ज वी विल डू फ्यू मोर एक्सरसाइजेज वी हैव समरस्टंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशल इट सेंटेंस हमने टेंस पढ़ा और उसके साथ साथ फिर टेंस उसका परिभाषा और साथ ही टेंस और वर्ब में कनेक्शन क्या है वर्ब के प्रकार पढ़े और वर्ब के प्रकार पढ़ने के बाद हमने पास्ट और प्रेजेंट या प्रेजेंट और पास्ट के जो टाइप्स हैं वो समझे टेंस को समझने के लिए हमें और कुछ स्टेप्स कुछ कदम चलने होंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार हम हल्की सी पुनरावृत्ति कर लें कि टेंस क्या है टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन है दूसरा टेंस के जो हमने प्रकार बताए थे उसमें वी वन वी टू वी थ्री का जो उपयोग किया था इसका फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसा कहना है वी स्टैंड फॉर वर्ब सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या था दैट वॉज प्रेजेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या था पास्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब था v1 वन प्लस आई एन जी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब पर हमने अभी विशेष चर्चा नहीं की है लेट एस कम टू दिस और इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ना कहते हुए इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस आई एन जी जब भी आई एन जी अंग्रेजी के वर्ब में जुड़े इसको सुनना जरा गौर से आई एन जी जब भी किसी वर्ब के अंत में जुड़े सफिक्स आप सब जानते हैं सफिक्स क्या है प्रिफिक्स और सफिक्स तो सफिक्स जब बने वो किसी वर्ब का तो वो हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है बिल्कुल सही कंटिन्यूअस प्रोसेस तो ये हमने एक समझा और इसमें एक वाक्य को लेकर थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की और उसमें देखा कि जो प्रेजेंट है उसमें ही ड्राइव्स राइट, वी वन ही ड्राइव्स, वी वन नहीं बोल करके उसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं अब एस क्यों लगा है ड्राइव तो वर्ब है एस के साथ नहीं है वर्ब क्या है ड्राइव उसमें एस कब जोड़ते हैं जब वह वर्ब एक वचन के लिए सिंगुलर के लिए उपयोग हो रही है यहां पर ही ड्राइव्स है तो ही ड्राइव्स में एस लगा है क्योंकि ही जो है वो एक वचन है यदि वो बहुवचन हो तो ही का ही के बदले हम कुछ बहुवचन यूज करें वी माने हम लोग दे माने दे लोग तो क्या होगा तब एस नहीं लगेगा और वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा दे ड्राइव ए कार दे ड्राइव ए कार वैसे क्या दे ड्राइव कर सकते हैं कार को एक ये तो मजाक है कैसे इतने सारे लोग एक कार को चलाएंगे लेकिन हम ग्रामर की दृष्टि से यदि बात करें व्याकरण की दृष्टि से बात करें तो दे के साथ क्रिया में या वर्ब में एस नहीं लगता राइट right? ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म की जो बात हुई थी वो था पास्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है ड्रोव सो ही ड्रोव ए कार ठीक ये हुआ फर्स्ट फॉर्म वॉट इज द सेकेंड फॉर्म पास्ट एंड वॉट इज द थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म इज परफेक्ट जो इसमें काम पूरा हो गया अब ये जो इसको आपको सोचना है कि परफेक्ट सेंटेंस का एक एग्जाम्पल मैं दो ही ड्रिवन ए कार ही हैज ड्रिवन ए कार अब इसमें देखिए हैज और ड्रिवन हाईलाइटेड हैज ड्रिवन एक वर्ब नहीं है दो वर्ब है एक है हैज और दूसरा है ड्रिवन ड्रिवन कौन सा फॉर्म हुआ थर्ड फॉर्म और हैज कौन सा फॉर्म हुआ फर्स्ट फॉर्म तो इन दोनों को मिलाकर परफेक्ट बनता है परफेक्ट के लिए आपको याद होगा हमने बताया था ही थर्ड फॉर्म वी थ्री वी वन प्लस वी थ्री तो ही हैज गिवन ए कार प्रेजेंट में और पास्ट में क्या होगा हैज का सेकेंड फॉर्म क्या होता है आपको मालूम होगा आपने पढ़ा है हैव और हैज का सेकंड फॉर्म क्या होता है हैड उसका सेकंड फॉर्म होता है हैड हैड सो ही ड्रिवन ए फॉर्म ही हैड ड्रिवन ए कार राइट सो हियर वी हैव दिस एग्जांपल नाउ द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस अब एक और सिचुएशन आती है जब काम जारी है और कुछ काम पूरा भी हो गया है कल जिसकी हमने जो चर्चा मैं बार बार कर रहा हूँ पिछले वीडियोज में किया है कि काम कुछ हो चुका है और कुछ जारी है तो ऐसे में क्या होगा वो परफेक्ट भी है और कंटीन्यूस भी है तो परफेक्ट के लिए क्या कौन सा फॉर्म लगेगा फॉर परफेक्ट वी से वी थ्री थर्ड फॉर्म और कंटीन्यूस का एक अलग फॉर्म होता है जिसमें आई एन जी वे आई एन जी जुड़ जाता है तो वी थ्री प्लस आई एन जी और ऐसे ही हैड बीन ड्राइविंग ए कार वहां पर हैड जो है वो हैज का पास्ट है तो so, ये एक हमने एक रिकेपिचुलेशन आगे बढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा समझना जरूरी था इसलिए इसको बताया है फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर जो है वह एक तरीके से टेक्निकली मैं बार बार कह रहा हूं टेक्निकली तकनीकी रूप से वह टेंस में नहीं आता सो लेट अस लीव इट एट दैट एंड वी कन्फाइन आर सेल्फ आर सेल्फ टू प्रेजेंट एंड पास एंड इट फॉर्म्स राइट सो देर आर एट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स एट फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेज दैट वी कैन सी Right here on this chart, am I clear? Now let's move to the next one. अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे में अब आपके सामने देखो एक एक समझाने के लिए कुछ एक अलग तरीका थोड़ा सा आपके लिए लिया गया है वो समझाने के लिए और उसमें हमने कल आपको स्टेप फाइव पे बताया था पिछले वीडियो में आपने देखा है कि स्टेप फाइव में था टाइम और एक्शन मिलाकर क्या बनता है वर्ब टेंस किससे बनता है टाइम और एक्शन दो को मिलाकर जो भी वर्ब है वो वर्ब में दो चीजें छुपी हैं दो चीजें निहित हैं एक टाइम है और एक एक्शन है स्टेप सिक्स में वर्ब के ये दो टाइप हमने बताए थे टाइम एक टाइप और एक्शन एक टाइप अब वर्ब में यदि हम टाइम की बात करें तो वर्ब टाइम को कैसे बताता है प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट प्रेजेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वी वन थर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ड्राइव प्रेजेंट वी वन पास्ट वी टू ड्राइव का पास क्या है ड्राइव का पास है ड्रोव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पर क्या है जिसमें काम पूरा हो गया है वो हम थर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं सो दिस इज स्टेप फाइव एंड सिक्स फॉलोड बाय ए लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ एंड दैट स्टेप इज द सेवंथ वन तो वी आर मूविंग ऑन टू द सेवेंथ स्टेप टू अंडरस्टैंड टें बहुत करीब हम आगे हैं टेंथ को समझने के कि टेंथ हमारे लिए क्या मायने रखता है ये बहुत बड़ी चीज़ आपने सीखी यदि आपने ध्यान से समझा है तो कि टेंस जो है वो ना तो समय है केवल और ना ही केवल एक्शन है टें समय और एक्शन का कॉम्बिनेशन है टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन है एक हमने कंटिन्यूस फॉर्म बताया था और उसको हम फोर्थ फॉर्म नहीं कहते कोई भी ऐसा ना कहे कि ये फोर्थ फॉर्म है और न लिखते हैं इसको वी फोर वर्ब का कोई फोर्थ फॉर्म नहीं होता तीन ही फॉर्म होते हैं और जो सारा खेल है वो इन तीन फॉर्म्स को मिलाने से ही बनता है थर्ड फॉर्म क्या था परफेक्ट अब जो फोर्थ फॉर्म जिसको हम कंटिनुअस कहते हैं लेकिन उसको V4 नहीं लिख सकते क्योंकि वो पहले बताए गए फॉर्म का ही कॉम्बिनेशन है मैं दोहरा दूं पहले बताए गए फॉर्म का ही कॉम्बिनेशन है तो वो क्या है कंटिन्यूस प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या आता है मैंने आपको बताया आपको याद होगा एक एग्जाम्पल दिया था ही डूइंग ए वर्क ही डूइंग ए वर्क कंप्लीट सेंटेंस नहीं है कुछ मिसिंग है ना बिल्कुल इज़ मिसिंग है तो वहां जो आएगा उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इज़ जो है याद रखेंगे ज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब क्या है कौन से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हम आगे इस पर और चर्चा करेंगे इस पर हैव डू ये कुछ अलग ढंग के वर्ब हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपके नॉलेज के लिए और आप पढ़ते भी आए हैं इस जो है वो फर्स्ट फॉर्म है किसी वर्ब का और वो वर्ब है बी टू बी बी, बी बी मैने होना बी ई बी बी यानी होना और उससे इज बना है, है आर बना है क्लियर सो फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी किसमें जुड़ेगा वर्म में जुड़ेगा कौन से वर्म में कौन से फॉर्म के वर्म में फर्स्ट वर फॉर्म में डूइंग राइट सो दिस इज अगेन ए लिटिल मोर डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ब नाउ लेट्स कम टू द स्टेप दूस एक एक करके देखिए स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इंग्लिश माइंड यू इज आल्सो ए साइंस कोई भी विषय विज्ञान होता है वैज्ञानिक विषय होता है और उसको वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए ऐसा नहीं कि अंग्रेजी को हम याद कर लिए कंठस्थ कर लिए और अंग्रेजी समझ जाएंगे खासकर ग्रामर उसका भी विज्ञान है तो हम स्टेप बाय स्टेप जैसे मैथमेटिक्स में होता है ऐसे ही बढ़ रहे हैं तो वी कम टू द सेवन स्टेप टेंस क्या है टेंस है टाइम प्लस एक्शन और इसको मिला के वो वर्ब बनता है दूसरे शब्दों में जो वर्ब है टाइम के लिए भी है और वही वर्ब एक्शन के लिए भी है एक ही वर्ब टाइम के लिए भी होता है एक ही वर्ब एक्शन के लिए होता है थोड़ा हम यदि आपको एक इशारा कर दें तो ही इज डूइंग वर्क इसमें एक्शन वर्ब कौन सा है डू करना एक्शन और टाइम किससे पता लग रहा है एज से एज से आई से एज आई एन जी से पता लग रहा है किससे पता लग रहा है एज से एज क्या बता रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम का है यदि वहां पे होगा आई वॉज डूइंग ए वर्क तो वॉस क्या बता रहा है टाइम बता रहा है लेकिन अपने में स्वयं में एक यहाँ पर कुछ मायने नहीं रखता वॉध किसके साथ जुड़ा हुआ है दूसरे वर्ब वर्ब के साथ एक्शन जिसमें निहित है एक्शन जिसमें बता रहे तो वी कैन से टाइम प्लस एक्शन वर्ब प्लस वर्ब इज गोइंग ये दो वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया इज गोइंग आर गोइंग वेयर स्लीपिंग वॉज डांसिंग ये दो वर्ब है ये एक वर्ब नहीं है और दो वर्ब मिलकर एक वर्ब बनते हैं आप समझ रहे हैं मेरा अर्थ क्या है और वो वर्ब एक वर्ब जो बना है वो क्या है डांस स्लीप उसमें टाइम भी छुपा हुआ है यदि इज है तो प्रेजेंट टाइम वॉज है तो पास्ट टाइम वॉर है तो बहुवचन में पास टाइम एंड सो सो ऑन एक बार और बता दूं बी का फॉर्म है इज आर वर वॉज ये इज का फॉर्म है आगे इस पे हम और चर्चा करेंगे फिलहाल आप इतना बस याद रखें सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज दैट स्टेप इज समथिंग अबाउट वी मे से द स्टेप आप सोच रहे होंगे कितने सारे स्टेप हो गए और कितना जाना है वेल डियर फ्रेंड दिस इज द फाइनल स्टेप सो लेट अस कॉल इट फाइनल स्टेप सो दैट यू फील ओके वी हैव कम टू एन एंड ऑफ इट टेंस हम समझ गए टेंस में टाइम और एक्शन दोनों है हम समझ गए टेंस के जो आठ फॉर्म्स हैं अलग अलग जो टाइप हैं वो हम समझ गए फ्यूचर का क्या संबंध है टेंस से ये भी समझ गए नाउ लेट अस कम टू फाइनल स्टेप फाइनल स्टेप क्या है वो भी मैं कर चुका हूं केवल उसको नाम नहीं दिया हूं तो यहां पे केवल नाम देंगे बाकी आप समझ चुके हैं फाइनल स्टेप में हमको टेंस का आइडेंटिफिकेशन करना है सम, जानना है कि टेंस कौन सा है आइडेंटिफाई करना आइडेंटिटी कार्ड आप समझते हैं ना आइडेंटिटी कार्ड पहचान पत्र तो ऐसे ही हमको शब्द से आइडेंटि का आइडेंटिफिकेशन करना है लेटस टेक एन एग्जांपल वही सेंटेंस ही इज हिज वर्क या ही इज डूइंग ए वर्क इसमें दो वर्ब हैं, इज भी एक वर्ब है आपको बताया था इस का मूल वर्ब क्या है बी बी का ये फॉर्म है कौन सा फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म राइट और दूसरा वर्ब क्या है डूइंग सेकेंड वर्ब इज यहां दो वर्ब देख रहे हैं बाप. अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन दो वर्ब में main वर्ब कौन सा है इन दो में एक मेन रहता है मुख्य और एक हेल्पिंग रहता मैं पुनः दोहरा दूं यदि दो वर्ब हैं तो आपको यह समझना है कि इसमें से मेन कौन सा है और हेल्पिंग कौन सा है हेल्पिंग वर्ग मेन वर्ब को मदद कर रहा है किस चीज में मदद कर रहा है टाइम को बताने में तो मेन वर्ब यहां हुआ डूइंग डू डू मेन वर्ब हुआ जिसका कंटिन्यूस फॉर्म हम यूज किए हैं आई एन जी लगाकर और आई एन जी किस में लगाया हमने फर्स्ट फॉर्म में वी वन प्लस आई एन जी आपको याद है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी क्या बनाता है कंटिन्यूस प्रोसेस कंटिन्यूस फॉर्म जिसे कई लोग फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं जो बिल्कुल गलत है फॉर्म तो तीन ही रहते हैं so, main verb जो है, वो यहां पर डू है और वो किस फॉर्म में है कंटिन्यूस फॉर्म में है. और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है इज इस वॉक में हेल्पिंग वर्ब है इज और इस जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस फॉर्म में है टू बी का कौन सा फॉर्म है इज मैंने आपको बताया था प्रेजेंट फॉर्म है टू बी का सेकेंड फॉर्म कौन सा है सेकेंड फॉर्म कहलाता था वॉज तो यहां पर हमने टू बी का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है इज तो वो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट राइट और सेकेंड फॉर्म सेकेंड जो है वो कौन सा है कंटिन्यूस फॉर्म तो हम इसमें लिख लेते हैं कंटिन्यूस क्या बना ये प्रेजेंट कंटिन्यूस ही इज डूइंग ए वर्क इसमें कौन सा टेंस लगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ गया तो दिस इज हाउ वी गो टू द फाइनल स्टेप लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल दे हैव डन देयर वर्क दे हैव डन देयर वर्क दे इज प्लूरल प्लूरल मीन्स मोर देन वन बहुवचन तो जब बहुवचन होता है तो हैस के बदले हैव यूज करते हैं जब बहुवचन होता है तो हैव के बदले हैस के बदले हैव यूज करते हैं तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन सा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब करें तो हमको जानना होगा कौन सा मेन वर्ब है मेन वर्ब हुआ डू या हम शुरुआत करते हैं चलिए दे हैव डन द वर्क हैव फर्स्ट फॉर्म हुआ वी वन डन कौन सा फॉर्म है डू डिड डन ये तीन है डू डिड डन डू का थर्ड फॉर्म है डन सो so वो हो गया वी थ्री या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अब फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं प्रेजेंट थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं याद करिए फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट सेकेंड फॉर्म को पास्ट और थर्ड फॉर्म को परफेक्ट जिसमें परफेक्ट पूरा काम हो गया तो थर्ड फॉर्म परफेक्ट है तो अब हम नीचे इसको समझने की कोशिश करें यह सेंटेंस कौन सा बनेगा पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव डन

तो इसमें टाइम जरूर आएगा कब से कितने दिनों से कितने घंटे से दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर द लास्ट टू आवर्स दे हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर द लास्ट थ्री ईयर्स ही हैज बीन स्टडींग इन द स्कूल फॉर द पास्ट एट ईयर्स राइट तो इंपॉर्टेंट इज दे हैव बीन डूइंग हैव बीन डूइंग तीन तीन वर्ब है यहां पे अब जरा चलिए इंडिविजुअली देखते हैं हैव कौन सा फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव कौन सा फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म तो वी वन ऐसे बीन कौन सा फॉर्म हुआ बीन जो हुआ वो थर्ड फॉर्म बीन किसका थर्ड फॉर्म है बीन किसका थर्ड फॉर्म है बीन है बी का थर्ड फॉर्म बीन जो है वो बी का थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो गया डूंग में बताया था मैंने आई एन जी जुड़ता है तो क्या फॉर्म हो जाता है वो कंटीनुअस फॉर्म आई एन जी के लिए हम नहीं लिखेंगे अलग से कि वी फोर या वी फाइव से सीधा हम लिखेंगे कंटीन फॉर्म अब जरा नीचे पढ़ें। यानी प्रेजेंट बीन या सीन यानीफेक्ट और वो कंटिन तो ये कौन सा टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन फिर से दूरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन राइट